अलवर के ततारपुर पुलिस ने 29 साल की महिला प्रियंका के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। ट्यूशन टीचर दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रहती थी और एक कपड़ा व्यवसायी कपिल गुप्ता के घर बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। पुलिस के मुताबिक प्रियंका और कपिल के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्यार जब परवान चढ़ा तो प्रियंका कपिल पर शादी का दबाव बनाने लगी। पुलिस ने बताया कि प्रियंका ने कपिल को ब्लैकमेल करते हुए 50 लाख रुपए की मांग की थी, जिसे तंग आकर कपिल ने प्रियंका की हत्या की साजिश रच डाली। इस पर तकनीकी संसाधनों और आसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया और विभिन्न टीमें गठित की जा करके मृतका की शिनाख्त के लिए प्रयास किए गए और मुलजिमान की पहचान की गई। तो ज्ञात हुआ कि गांधीनगर थाना इलाका दिल्ली से एक महिला प्रियंका बैल वो 14 मार्च से घर से पैसे निकलवाने के लिए बैंक गई थी, वापस नहीं लौटी, जिसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां थाने में दर्ज करवा रखी थी। पूछताछ में आरोपी कपिल ने कबूला है कि प्रियंका और उसके बीच अवैध संबंध थे, दोनों बाहर घूमने भी जाया करते थे। 7 साल में उसने प्रियंका पर 40 लाख रुपए खर्च किए थे। दोनों के बीच रिश्ते की भनक पत्नी को ना चले, इसके लिए प्रियंका उसके बेटे को राखी भी बांधा करती थी। आरोपी ने बताया कि प्रियंका की हत्या कार में गला घोटकर की गई। मर्डर के बाद उसने अपने दो नौकर और पत्नी के साथ मिलकर शव को बोरे में भर कर फेंक दिया था। इसके बाद में जो टीम है उन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए अपराधियों को चिन्हित किया और दिल्ली से इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य जो आरोपी हैं कपिल गुप्ता, उसकी पत्नी सुनैना गुप्ता और उसके दो नौकर राजकिशोर व सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया और वारदात में काम में ली गई गाड़ी इको स्पोर्ट्स को जब्त किया गया। मुलजिमान से प्रकरण में आगे तफ्तीश जारी है। पुलिस की माने तो 16 मार्च को ततारपुर थाने पर सूचना मिली थी कि इंदिरा बस्ती के पास पुलिया के नीचे एक बोरे में लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। तमाम छानबीन के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। फिलहाल आरोपी कपिल गुप्ता और उसकी पत्नी सुनैना गुप्ता समेत राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है।